हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्षद अंगारी। आज हम स्टार्ट करने वाले मैथमेटिक्स में वेक्टर। आज देखें वेक्टर क्या है, स्केलर वेक्टर क्या है और उसके टाइप्स देखेंगे। तो स्टार्ट करें। वेक्टर वेक्टर क्या है? वेक्टर बोले तो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी प्रेजेंट होती है, दोनों भी रहती है, उसी को हम वेक्टर कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फोर्स, वेट, वेलोसिटी। फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स है, एक बॉक्स को हमने उसका आकार बोले तो मैग्नीट्यूड, उसका जो आकार रहता है उसी को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। उसका जो फोर्स लगाया उसका एक डायरेक्शन क्रिएट होता है, जैसे कि कोई भी एक डायरेक्शन में हम फोर्स कर सकते हैं। तो इसी का इस पोजीशन इसी को हम वेक्टर कहते हैं, जिसके इसका आकार भी है और इसका डायरेक्शन भी है, इसी को हम वेक्टर कहते हैं। अब देखेंगे स्केलर वेक्टर। स्केलर वेक्टर क्या है? स्केलर वेक्टर में जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही रहता है, उसमें आकार मैग्नीट्यूड ही रहता है, उसमें डायरेक्शन नहीं रहता, उसी को हम स्केलर वेक्टर कहते हैं। जैसे कि पावर, एनर्जी, स्पीड। पावर होती है पर उसकी डायरेक्शन नहीं होती है, स्पीड होती है पर उसकी डायरेक्शन नहीं होती है, इसी को हम स्केलर वेक्टर कहते हैं। और वेक्टर को हम डिनोटेट करते हैं ये बात से, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, जैसे कि मैग्नीट्यूड और वेक्टर को हम ऐसे डिनोटेट करते हैं। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर में स्टार्ट करने वाले जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या है? जीरो वेक्टर बोले तो जिसका मैग्नीट्यूड ही जीरो है, मैग्नीट्यूड बोले तो जिसका आकार ही नहीं है वो जीरो वेक्टर। और सेकंड देखेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब एक ग्रुप, जिसको हम चार पांच जनों का जो ग्रुप रहता है उसको हम यूनिट कहते हैं। और यूनिट को ही यूनिट वेक्टर को हम ऐसे डिनोट करते हैं ए कैप से। और इसका फार्मूला है ए कैप इज इक्वल टू ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। ये यूनिट वेक्टर निकालने का फार्मूला है। अब देखेंगे इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी सेम है, उसी को हम इक्वल इक्वल वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए बार, ए बी बार, इसकी डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसी को हम इक्वल वेक्टर कहते हैं। ऑपोजिट वेक्टर में क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है और उसका डायरेक्शन जो है वो अपोजिट रहता है, उसी को हम अपोजिट वेक्टर भी कहते हैं। अब देखेंगे को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल बोले तो इनिशियल मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल ए ओ है, ए पी है, ओ पी वेक्टर। जो ओ रहता है उसी को हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं और जो पी रहता है उसी को हम टर्मिनेटिंग पॉइंट बोलते हैं। तो अब देखेंगे को इनिशियल पॉइंट, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर में जिसका इनिशियल पॉइंट एक ही रहता है बट उसके बहुत सारे उसी इनिशियल पॉइंट से बहुत सारे वेक्टर निकलते हैं, जैसे कि ए बार, बी बार, सी बार, ईटीसी, कितने भी निकल सकते हैं, उसी को हम को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। को लीनियर वेक्टर बोले तो जिसमें एक ही लाइन है, लीनियर एक ही लाइन है और एक ही लाइन पे बहुत सारे वेक्टर प्रेजेंट हो सकते हैं, तीन से ज्यादा, जैसे कि ए बार, बी बार, सी बार। ए को लीनियर वेक्टर का एग्जांपल है। उसके बाद देखेंगे कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर बोले तो एक प्लेन में दो और दो से ज्यादा जो वेक्टर रहते हैं उसी को हम कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। अब देखेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर बोले तो एक वाई एक्सिस है और एक एक्सिस है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओ है, ओ पी बार, इसी को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। आज हमने वेक्टर के बारे में यह सब पढ़ा, अगले चैप्टर में और पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।